हेलो, आज हम बना रहे हैं पालक पनीर की सब्ज़ी। सबसे पहले हम पनीर को सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसके तेल में हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हमारा जीरा चटकने के बाद हम उसमें प्यूरी ऐड कर देंगे, जिसमें 2 टमाटर, 3 प्याज और 8-9 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक है। लहसुन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन की कलियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा ही डालनी है, जो नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हमने कैच का जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट ऐड किया, इससे भी इसमें बहुत टेस्ट आता है। फिर इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, ये ग्रेवी को थोड़ा थिक करता है, पर अगर ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। इसको तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और बेसन भी पूरी तरह से कुक ना हो जाए। इसको भूनने के बाद उसमें फिर हमने इसमें सूखा धनिया डाला है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर खटास के लिए। हमने पालक को उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ज़रा सी चीनी डाली थी, उससे पालक का रंग बिल्कुल वैसा का वैसा ग्रीन रहता है और वो फेड नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया ज़रूर ऐड करें पालक बॉईल करते वक्त। अब इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाली है और ये पालक को उबाल के धनिया, हरा धनिया डाल के फिर उसमें डाल दिया। और फिर हमने इसमें 2 से 2.5 चम्मच घर की ही मलाई डाली है, जो दूध के ऊपर आती है वो वाली मलाई, 2 से 2.5 चम्मच। और फिर इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दिए। ये बहुत टेस्टी बनती है। थैंक यू।